क्यों ना हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें। उच्च स्तरीय समिति बने, उस समिति में मेरे नेतृत्व में है, उसमें सभी संबंधित विभागों के सचिव हों और इसके साथ साथ संघर्ष समिति जो उनकी है उसके भी 5 प्रतिनिधि हैं। उन्होंने सब ने कहा कि एक एक प्रतिनिधि अलग अलग डिसिप्लिन की, 4 डिसिप्लिन की आज है तो 4 प्रतिनिधि, 1 महिला प्रतिनिधि, ऐसे 5 प्रतिनिधि हमारे हो जाएं और सरकार के ऐसे, और उस समिति में क्योंकि विषय अलग अलग विभागों से संबंधित है, एक स्तर पर कहीं तुरंत वो समाचार समाधान हो नहीं सकता था, इसलिए तय करके उनके साथ समिति की, उसमें तय हुआ कि 15 दिन में पहली बैठक होगी और उसके बाद एक नियमित अंतराल में उस समिति की बैठक होती रहे जहाँ हम तुरंत समाधान होने वाले विषयों को लेकर के आगे बढ़ाएं, वही नियमित अंतराल में बैठ करके समय समय पर जो समस्याएं दिव्यांगों की खड़ी होती है उनको बात करते करते समाधान तक पहुंचाने का प्रयास करें। सरकार से जो वार्ता की वो विफल रही, केवल आश्वासन के अलावा हमें कुछ भी नहीं मिला। हम कुछ मांगे थे जैसे पेंशन वृद्धि हो हमारी जो कई सालों से नहीं हो पा रही है, रोस्टर प्रणाली लागू हो जो बेरोजगारी का एक नतीजा है, आरक्षण में वृद्धि हो जो कि कैटेगरियाँ लगातार बढ़ती जा रही है, महिलाओं की कोई स्कीम नहीं बन पाती है राज्य सरकार में या केंद्रीय सरकार में, जो विकलांग महिलाएं हैं उनके बारे में कभी कोई सोचा नहीं जाता है। प्रशासन ने दमनकारी नीति अपनाई, हमारे लोगों को, बुजुर्गों को, महिलाओं को मारा पीटा, उसके खिलाफ अभी आज की डेट में हमारे विशाल राजादा हैं, आगरा मंडल प्रभारी हैं हमारे, उन्होंने 40 विकलांगों के साथ जाके अपनी पेंशन वापस कर दी है। तो ये पूरे देश में धीरे धीरे आग फैल रही है और इसका फैलना जरूरी इसलिए भी है कि समाज का सबसे कमजोर अंग निशक्त जन है जिनको हम विकलांग कहते हैं, इनके लिए न सरकार और न परिवार, ये दोनों नाकारेपन की स्थिति में काम कर रहे हैं। विराज गर्ग साहब, आपका रुख करना चाहता हूँ। शुरुआत के दौर में आलोक जी ने साफ तौर पर कहा कि कहीं ना कहीं सियासत हो रही है, मैं उस सियासत को समझना चाहता हूं कि क्या अब जब दिव्यांग सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं तो कांग्रेस को लगता है कि मौका है ये सियासत चाहे आम आदमी पार्टी करे या फिर कांग्रेस करे, लेकिन मांगों को लेकर सूरत को लेकर कोई खास फर्क होता नजर नहीं आता। अर्पिता जी ने कहा कुछ भी कह दीजिए क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इन विकलांगों के लिए पहली बार राजस्थान के अंदर निःशक्त जन आयोग का गठन हमारी सरकार ने किया। ईमानदारी से हम इनको समाज की मुख्य धारा में लाना चाहते थे, ये पहली बार राजस्थान में हुआ, ये हमारी सरकार ने किया समय समय के ऊपर। ये बात बिल्कुल सही है कि जितना लाभ मिलना चाहिए उतना नहीं मिला, लेकिन ऐसा एक उदाहरण नहीं है हमारी सरकार के टाइम पे कि इस तरह से आंदोलन किया हो। और चूंकि आज ही वार्ता के लिए क्यों बुलाना पड़ा जब दो दो केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, और कहीं ऐसा नहीं हो कि वो केंद्रीय मंत्री राजस्थान की छवि ऐसी बना दे दिल्ली में जाके मोदी जी के सामने कि आप इनको दिव्यांग कह रहे हैं राजस्थान में ऐसा हो रहा है, इसलिए इनको कल रात को वार्ता के लिए बुलाया। वार्ता के लिए तो 3 रोज पहले भी बुला सकते थे। आपने जैसा अभी बताया कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, मारा पीटा गया, खुद वो कह रहे हैं तो ये क्या झूठ कह रहे हैं? तो यह सरकार की संवेदनहीनता दर्शाती है। जयपुर शहर के पास में ही अभी जैसे ना मैडम ने कहा कि जो मानसिक रूप से ना विकलांग थे उन बच्चों की मृत्यु हुई, सरकार को ना कहीं जागी नहीं, संवेदनहीनता देखे। मुख्यमंत्री जयपुर में होते हुए एक रोज झूठे सांचे भी वहां छात्रावास में जाके ये नहीं देखा कि आखिरकार इन बच्चों की मृत्यु क्यों हुई। ये सरकार की संवेदनहीनता नहीं है। आलोक जी जवाब देना चाहेंगे आप कि क्या सरकार की सूरत क्या है, नियत क्या है, क्या चाहती है सरकार? एक तरफ आप सुगम्य भारत बनाना चाहते हैं जी, ये बार बार गिरिराज जी को मैं सुन रहा हूँ, और मैंने और भी जनों पर देखा कि अब कांग्रेस का नाम ही एक बार सरकार की, हमें तो किसी भी तरह से सरकार को करेंगे, सरकार ये नहीं कर रही, सरकार वो नहीं कर रही। इन्होंने एक ही शब्द अपना रखा है कि नहीं, हमें या तो बाहर सड़कों पर प्रदर्शन करना है या नारेबाजी करनी, आलोचना लाठीचार्ज पर जवाब दे दीजिए आप। मैं लाठीचार्ज कह रहे कह रहे हैं कि लाठीचार्ज हुआ है, कौन कहता लाठीचार्ज होता है, लाठीचार्ज नहीं हुआ है, एक विकलांग बीमार था उसको उठाया गया है। लाल जी आप खुद वहां मौजूद थे क्या? आप तो मेरे लोगों को घसीट घसीट करके वहां से लाया गया है। ऐसा नहीं है, लाठीचार्ज का प्रशासन है, पुलिस भी इंसान है, पुलिस वाले भी इंसान है, उन्होंने लाठीचार्ज नहीं किया, डायरेक्शन देती है। अगर लाठीचार्ज हुआ है तो उस पर कार्रवाई होगी। मैं आपको कहता हूँ अगर लाठीचार्ज अगर कह सकते हैं कि लाठीचार्ज हुआ है तो सरकार के इसमें कोई मंशा नहीं है कि सरकार। वार्ता को लेकर आप बता दीजिए, एक तरफ मंत्री जी आज दावा कर रहे थे कि वार्ता कामयाब रही है, हमने कमेटी बना दी है, यहाँ
जो आंदोलन कर रहे हैं उनके नेता मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि वार्ता कामयाब नहीं रही, अब सही सूरत कौन पेश करे। मैं यही चीज मेरे को बड़ा अजीब सा लगा, कल जब इनके व्यक्ति वहां मौजूद थे, मेरे को कोई बताया कि वहां जाके उन्होंने सहमति दर्शाई, उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर भी किया है, इन्हीं के जो ग्रुप गया था उसने उस सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया, सहमति पत्र लेकिन नहीं उसमें सहमति पत्र पर हस्ताक्षर आपने एक बताइए आपने किया रतन जी, लेकिन मानसिक दबाव की बात हो रही है, मानसिक दबाव अब यही वाली बात है कि बस आके बाद में इनको जो सिखाया गया आने वाले सिखाने की यहां पे किसी को सिखाने की जरूरत नहीं है, वो इन्होंने इनको मानसिक दबाव के सिखाने की किसी जगह निश्चित जन आयोग हमने बनाया, मैं कहता हूं हमारी सरकार अकेली अति सरकार है, तो निश्चित जन आयोग का जो आयुक्त बनाया खुद निश्चित है, बिल्कुल गलत कर रहे हैं धनराज पुरोहित को पहली बार एक निश्चित को अगर निश्चित जन का आयुक्त बनाया गया है, आप ये देखिए कि विगत 10 सालों से हम प्रयास कर रहे थे, क्यों लाए गए उनको बनाया सरकार की थे आज तक कहते हमने आयोग बनाया, रतन जी से पूछोगे कि पहली बार इन्हीं ने बनाया था आयुक्त, तो आप लोगों ने बनाया आयोग, आयोग किसके समय बना जो आयोग किसी के भी समय बना, बात ये नहीं है कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया, मैंने कहा कि उसका जो मेन प्रभारी दोनों पक्षों को आपने सुना, कांग्रेस को सुना बीजेपी को सुना, मैं जानना चाहता हूं कि असली मसीहा कौन है, या फिर दोनों ही सियासत करते हैं और आप लोगों को कहना तो यही है झेलना पड़ता है, मैं ना किसी पार्टी की बात कर रहा हूँ, हमारी जो पीड़ाएं 68 सालों से जो लगातार हम देखते आ रहे हैं वो बिल्कुल बखूबी वैसे की वैसी, जब कोई भी सरकार बदलती है केवल नाम के अलावा कुछ नहीं बदल पाती है, मैंने यही देखा है, गहलोत सरकार थी उस टाइम भी केवल निशक्त को विशेष योग्यजन कर दिया, किया क्या ऐसा कुछ भी नहीं है, अलग से आयोग का गठन किया आपने, और राज्यों में गठन हो चुका है, और राज्य में राजस्थान में नहीं हुआ था ना, राजस्थान में तो पहली बार हुआ ना, आलोक जी का साफ तौर पर कह रहे हैं, दो कॉलर भी जुड़े, मैं उनसे भी बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं, आलोक जी का एक पक्ष था कि आप अपने आप को टूल बना रहे हैं सियासत का, कभी आम आदमी पार्टी या फिर कभी कांग्रेस आपको सरकार के खिलाफ खड़ा कर रही है, रतन जी देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे जो विशेष योग्यजन साथी है 25 लाख के करीब राजस्थान में रहते हैं और उन्होंने हर पार्टी को वोट दिया, तो उनको बुलाने का अधिकार भी है, वो उसमें हमारा परिवार या समाज या रिश्तेदार जरूर है, अगर वो वहां पर आकर के हमारे किसी भी पार्टी की बात नहीं करते हैं, कहते हैं तो सिर्फ विकलांग लोगों की समस्याओं पर बात करते हैं, हम उनको इसी शर्त पे बुलाते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है कि वहां आकर के हम मंच के ऊपर, आलोक जी ने कहा अभी आपके सामने कहा कि किस तरह से सरकार के खिलाफ आप लोगों को खड़ा किया जा रहा है, कोई आप लोगों को एक साजिश के तहत समझौते के बावजूद खड़ा किया गया, आप कह रहे दबाव वाली बात, अब नहीं हमें कोई भी व्यक्ति ने किसी भी पार्टी ने खड़ा नहीं किया है, अगर आज यह आंदोलन चल रहा है तो सिर्फ एक विकलांग व्यक्तियों के खुद के कंट्रीब्यूशन करके हम 100 रुपए 50 रुपए मांग करके हम इस आंदोलन को चला रहे हैं, आज हमारी व्यवस्था देख लीजिए, 3 दिन से मेरे लोग वहां पर भूखे प्यासे बैठकर के इस आंदोलन को चला रहे हैं, जो अपनी पीड़ाएं वो समाज और सरकार के सामने रख रहे हैं। सुनिए मैं एक चीज बताना चाहूंगा, वो हो सकता है आपको किसी को अवगत है या नहीं बताऊं, आज भी आज दोपहर को इन्हीं के विकलांग शरद त्रिपाठी गुड़गांव के विकलांगों की तरफ से थावरचंद गहलोत जी को आज भी ज्ञापन, मैंने भेजा था, आपने भेजा था, मेरे को तो भेजा, मैं खुद ना मौजूद था, थावरचंद जी ने उनसे क्या कहा ये भी बताइए आप, उनका ढंग से उनको सुना, पूरा मीडिया भी मौजूद था, कुछ भी ये तक कहा जो कहा, ठीक है आपने वो कह रहे कि सर आज अभी हम आपको दे रहे हैं, हाथ की आलोक जी आऊंगा, आप बोलिएगा, रतन जी आप भी बोलिएगा, आ रहा हूँ, दो दर्शक है, खालिद कुरैशी है बीकानेर से और सुनील प्रजापत जी जयपुर से हमारे साथ है, खालिद साहब नमस्कार। सर नमस्कार, बताएं मेरे जो विकलांग समिति के अध्यक्ष हम सब पहले तो किसी भी पार्टी के नाम में आकर अपने जायज मांगे लिखकर दे सरकार को, मुझे उम्मीद है वो पूरी करेंगे, दूसरे जो पुलिस कर्मियों ने इनके साथ में धक्का मुक्की की मैं उसकी निंदा करता हूँ। शुक्रिया आपका, सुनील जी कुछ कहना चाह रहे हैं। सुनील जी नमस्कार। नमस्कार अश्विनी जी, ये जो सरकार है ये शायद मेरे हिसाब से लाठीचार्ज वाली सरकार है, आप देखो विकलांग आंगनवाड़ी महिलाएं विद्यार्थी परिषद काफी इन्होंने जब जब इन्होंने आंदोलन करा है, ऐसे हर जो मतलब ईमानदारी चीज पे आंदोलन करा है उससे आप लाठीचार्ज कर रहे हो, आज देखो विपक्ष भी देखो और क्या सरकार देखो, इसका कोई भी प्रत्यक्ष विधायक मतलब सामने खड़ा होके अप्रत्यक्ष रूप से बातें करता है, अरे भाई आप जनता के जनप्रतिनिधि जनता के बारे में सोचो, जो आज देखो आप जामनोली में जो विमंडित जो हुआ उसके बारे में भी अरुण चतुर्वेदी जी कुछ नहीं करा, अरे भाई क्यों नहीं करा, और आज वही मंत्री आज इस विकलांग की बात क्यों बार बार सामाजिक न्याय के लिए आवाज उठ रही है, अर्पिता जी सरकारी योजनाएं बनती है लेकिन ये आरोप है कि उसका फायदा नहीं मिल पाता, जाकिर साहब रुकिएगा आ रहा हूँ आपके पास में, मैं जानना चाहता हूँ कि ये फायदा क्यों नहीं पहुँच पाता, क्योंकि सरकारी योजनाएं जो बन रही हैं उनको इम्प्लीमेंट कराने के लिए जो लॉ एंड ऑर्डर वाली बॉडी है हमारी वो स्ट्रांग नहीं है, कानून हमारे पास स्ट्रांग नहीं है, हमने इंडिया ने
हाँ 2007 में यूएन कन्वेंशन को रेटिफाई किया, जिसके अनुसार हमारे देश में 2014 तक सभी कुछ सुगम्य हो जाना चाहिए था। आज 2016 में हम खड़े हैं, क्या हमारे यहाँ सभी कुछ सुगम्य हो गया है? आज बीजेपी है और कल कांग्रेस थी, किया पहले कांग्रेस थी या बीजेपी थी, मुझे सर मैं आई एम नॉट फॉर एनी पार्टी, मैं किसी पार्टी के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक इंसानी पक्ष रख रही हूँ। रही बात निशक्त जन की, निशक्त जन आयोग बना, ये बना, ह्यूमन राइट्स कमीशन हमारे यहाँ ऑलरेडी है, क्या हम ह्यूमन नहीं है? मैं भी एक मदर हूँ एक स्पेशल बच्चे की, इसलिए मैं और जोर से ये बात कर रही हूँ, क्या हम ह्यूमन नहीं है? क्या हम इंसान नहीं है? तो हमें अलग से आयोग की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्या हमें मानव अधिकार आयोग के अंदर ही सारे इंसानी अधिकार नहीं मिल जाने चाहिए थे? बिल्कुल। क्या उसी को और इलेबोरेट या उसको और विस्तारित करके समाज के सामने एक नमूना पेश किया जा सकता था? कोई भी सरकार करे, सरकारों ने अच्छे काम भी किए हैं, मैं उनकी आलोचना नहीं कर रही हूँ, जो काम किए वो किए हैं, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी या बीजेपी की सरकार है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी है, दिव्यांग वर्ड बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, सुनकर अच्छा लगता है, पेरेंट्स को भी खुशी होती होगी कि कुछ अच्छा सुनने को मिल रहा है, क्योंकि विकलांग शब्द से बहुत ज्यादा नेगेटिविटी जुड़ी हुई है, लेकिन नाम बदलने से नहीं होगा। क्या मिला, क्या सवाल? इस बात का है कि वो कानून जो बिल हमने बनाया था यूएन कन्वेंशन की लाइन में, वो आज तक बिल के रूप में पड़ा है, वो बिल कानून के रूप में अब तक सामने क्यों नहीं आ रहा है, वो कानून क्यों नहीं बना? लाजमी सवाल है। मैं आऊंगा इस पर। जाकिर साहब है बीकानेर से, साथ ही दिनेश जी सीकर से हमारे साथ जुड़े हैं। नमस्कार जाकिर साहब। नमस्कार सुनील जी, बताएं सर। हाँ सर, मैं मतलब छोटे संक्षेप में कहना चाहूंगा, मेरे चार प्रश्न है, चारों प्रश्न से आपने दिवाली पे एक मुद्दा उठाया था भाई मिठाइयों में मिलाने का, उसका हल नहीं हुआ, 3 साल से वो मुद्दा आप कंटिन्यू उठा रहे। दूसरी बात के एक रिपोर्टर लेके एक मंत्री आता है, उसके लिए कम से कम 15 से 20 टैंकर पानी के आते हैं और उसके ऊपर आज तक कोई कार्रवाई नहीं। कल परसों एक सिविल अपने वो स्विमिंग पूल के लिए किसी ने बनाया था और उस पर कार्रवाई हुई, उसको उन्हें कार्रवाई करेंगे और आज तीसरा या चौथा दिन कार्रवाई नहीं। योजना बनती है, किताबों में बंद होती है, फाइलों में बंद होकर चली जाती है। ये जो आप विकलांगों के ऊपर बता रहे हो, मैं कह रहा हूँ योजना बनेगी, फाइलों में बंद होगी, दिमक लगेगी, कुछ नहीं होना, सरकार कोई किसी की हो, जनता वोट ये जो राय है काफी तलखी वाली बात है, सिस्टम के खिलाफ ऐसा क्यों है? दिनेश जी नमस्कार, सीकर से। नमस्कार परीख साहब, बताएं सर। परीख साहब, आलोक जी ने कहा लाठीचार्ज नहीं हुआ, मेरे पास आज का दैनिक भास्कर अखबार है, उसमें प्रश्न संख्या 3 पर एक न्यूज है जिसमें पुलिस ने खदेड़ा, रात को सरकार ने मांगे मानी, ये सबसे बड़ा सबूत है, इन्होंने अखबार देखा नहीं होगा। दूसरा मैं ये बात कहना चाहूंगा कि मोदी जी ने जब से प्रधानमंत्री बने हैं, आने के बाद उन्होंने पुरानी जो सरकार की योजनाएं थी उनका उद्घाटन करके श्रेय ले लिया और विभागों का नाम बदलने के अलावा कुछ नहीं किया। योजना आयोग का नाम नीति आयोग कर दिया, विकलांग को दिव्यांग कह दिया, कृषि मंत्रालय को किसान कल्याण मंत्रालय बना दिया, राजीव गांधी सेवा केंद्र को अटल सेवा केंद्र बना दिया। प्रधानमंत्री कहते हैं बार बार कि वो प्रधान सेवक है, असलियत ये है कि वो प्रचार मंत्री बन गए। हमारी यहाँ हड़ताल हुई बीज वालों की, उसमें जो नारे लगे थे उनके बारे में मैं कहना चाहूंगा, वहाँ नारे लगे थे वोट करोड़ों ढेर दिया, मोदी मोदा घेर दिया, अच्छे दिन पे पानी फेर दिया, मोदी मोदा घेर दिया। जाहिर है, बहुत 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 शुक्रिया आपका। सरकार सिस्टम पर सवाल है, ब्रेक का कॉल है, मुझे ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद लौटूंगा तो इन्हीं समस्याओं पर बात करते रहेंगे। सरकार की योजनाओं पर अगर जमीनी हकीकत की और गौर किया जाए तो सच्चाई क्यों सामने नहीं आती, ब्रेक के बाद। हमारे जो राज्य की या केंद्र की जो भी सरकार है अपने कारणों के लिए नीति लागू करती है, पर इन विकलांगों के लिए कोई भी नीतियाँ नहीं लागू की है, ना उनको किसी चीज़ की सुविधा मिल पा रही, ना किसी चीज़ का इनको रोजगार में कोई फायदा है। दिव्यांगों को केवल साइकिल वगैरह मिल जाती है, उसके अलावा दिव्यांगों को सरकारी योजनाओं का कोई लाभ नहीं मिलता, गाँवों में ज़्यादा से ज़्यादा पेंशन वगैरह मिल जाती है। क्यों ना हम हमारे देश में विकलांग की जगह पर दिव्यांग शब्द का उपयोग करें।